चलिए फटाफट चैप्टर का नाम बताओ बच्चा। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। एलिमेंट्स मतलब बच्चा इंपॉर्टेंट चीजें, एलिमेंट्स मतलब क्या, इंपॉर्टेंट चीजें। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो हम पढ़ रहे हैं किसके पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ के। क्या पूरा कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट कंपनी लॉ नहीं। एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ोगे, कंपनी लॉ ही तो कंपनी सेक्रेटरी फॉलो करता है, तो क्या पूरा कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, नहीं। कंपनी लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी बता रहे हैं, आगे चलकर पूरा का पूरा लॉ पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। चलिए बच्चा मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देते, टाटा बिरला रिलायंस ऑल दीज आर कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हमारी इंडिया में है। इन सबको क्या करना पड़ता है बच्चा, कंपनी लॉ फॉलो करना पड़ता है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेफिनेशन, थोड़ी इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, थोड़ा उसका पास पढ़ा था। जो कंपनी है, कंपनी है आया कहाँ से है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, ये एक लैटिन वर्ड से आया, दो लैटिन वर्ड से आया है। पहला लैटिन कम है, दूसरा क्या है, पनीस। कम मतलब टुगेदर, पनीस मतलब ब्रेड, ब्रेड मतलब खाना खाने की बात हो रही है। दोनों को अगर मिला दिया तो ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि साथ में खाना खाते हैं। मतलब पहले पहले कंपनी का मतलब क्या होता था, आओ साथ में बैठकर खाना खाना, कंपनी दो, चलो खाना खाने में कंपनी दो, घूमने में कंपनी दो, ठीक है। तो कंपनी मतलब क्या होता था, साथ में खाना खाना पुराने टाइम पर, फिर से बंद हो गया यार, पुराने टाइम पर ये हुआ करता था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चा, जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे टाइम बदला तो कंपनी का मीनिंग भी बदलता गया, कंपनी का मीनिंग भी बदलता गया, ठीक है। अब क्या कंपनी का मीनिंग आज की डेट में हो चुका है बच्चा, इन्होंने कहा पहले तो साथ में बैठकर खाना खाना इज नोन एज कंपनी, लेकिन बच्चा धीरे धीरे एडवांटेजेस लेने लगे मर्चेंट्स, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने बोला कि यहाँ पे इकट्ठा बहुत सारे लोग साथ में मिलते, क्यों ना हम यहाँ पर अपने बिजनेस प्लान डिस्कस करें। लेकिन धीरे धीरे बच्चा ये चीज होने लगी, लेकिन बिजनेस मैटर इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे कि जो ये फेस्टिव गैदरिंग है इसमें इसमें बात कर पाना मुश्किल हो गया। तो फाइनली बच्चा आज की डेट में हम कंपनी क्या समझते हैं, कंपनी एक बिल्डिंग होती है जहां पे बैठकर बिजनेस डिस्कशंस होते हैं। तो बच्चा दो तरीके की डेफिनेशन है, एक है जनरल डेफिनेशन, दूसरी है बच्चा लीगल डेफिनेशन। एक है जनरल, एक है लीगल। बच्चा जनरल, जनरली लोग क्या समझते हैं कंपनी क्या होता है, लीगल, लीगल क्या समझते हैं, क्या हो रहा है बच्चा, अपने आप बंद हो जा रहा है, दो मिनट बच्चा। चलिए कंटिन्यू बच्चा, तो जनरल डेफिनेशन कंपनी मतलब कंपनी वो कंपनी जो कि क्या कही जाती है बच्चा, इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनकॉर्पोरेशन किया जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल पांच लोग मिलकर, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, तो ये पांच लोग मिलकर इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं। ये जो पांच लोग हैं ये इंसान भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन मतलब इंसान भी हो सकते हैं, और ये पांच लोग कौन हो सकते हैं बच्चा, आर्टिफिशियल पर्सन भी। दीदी ये क्या बात थी बच्चों, समझो अब हम पांच दोस्त इंसान है मिलकर कंपनी बना सकते हैं, हाँ हम पांच दोस्त बच्चा मिलकर कंपनी बना सकते हैं, हाँ भाई हाँ। आर्टिफिशियल पर्सन लोग कैसे बना सकते हैं, हम चार दोस्त हैं, कितने दोस्त है बच्चा, चार दोस्त है, चार नेचुरल है और एक जियो कंपनी है, एक जियो कंपनी है, हो गए ना पांच, कितने लोग हो गए, पांच। आईटेक्स कंपनी हमें बनानी है, आईटेक्स कंपनी हमें बनानी है, चार चार इंसान हो गए और साथ में हमने क्या बोला, जियो कंपनी आप भी पैसा लगाओ, चार इंसान मिलकर बिजनेस में बच्चा पैसा लगा रहे, मतलब चार लोग पैसा लेके आए और जियो कंपनी ने भी अपनी तरफ से एक पैसा लगाया है, तो टोटल कितने हो गए बच्चा, पांच, टोटल कितने हो गए, पांच। तो कंपनी, जनरल कंपनी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, कंपनी क्या है, कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि अपने आप को क्या करवाती है, रजिस्टर्ड, अपने आप को क्या करवाती है, रजिस्टर्ड, रजिस्टर कहां करवाती है, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पांच के पांच इंसान भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है बस इंसान हो, ये क्या हो सकते हैं बच्चा, आर्टिफिशियल पर्सन भी। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में चार इंसान थे और एक आर्टिफिशियल पर्सन था, तो कोई भी मिलकर बना सकता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का बच्चा मैं आपको डेटा दिखाऊंगी, इस डेटा में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली में पैसा किसने लगाया। जरूरी नहीं बस इंसान पैसा लगाता है, जरूरी नहीं बस इंसान पैसा लगाता है, एक दूसरी कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में भी पैसा लगाती है। जियो कंपनी ने आईटेक्स कंपनी में पैसा लगाया, तो वो भी आर्टिफिशियल बॉडी है, ये भी आर्टिफिशियल बॉडी। तो यस बच्चा, तो कंपनी, कंपनी कौन को रजिस्टर करवा सकता है, नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन भी। बात समझ में आई। लीगल डेफिनेशन बोलता है कंपनी मींस वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन, रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन,
इनकॉर्पोरेशन कैसे करवाते हैं? एज पर कंपनी लॉ. आज के टाइम पर प्रेजेंट कंपनी लॉ क्या बचा? कंपनी लॉ 2013. इन्होंने कहा भैया पुरानी पुरानी कंपनीज थोड़ी ना 2013 फॉलो करी थी, वो तो पुरानी कंपनीज फॉलो करी थी, वो तो पुरानी कंपनीज ही फॉलो कर रही थी. तो बच्चा यहाँ पे उन पुरानी कंपनीज की ही बात हो रही है. पता नहीं बच्चा इसको मैंने ठीक तो कर दिया था. ठीक है, क्या ये सारी चीजें मार्क कर ली थी, पढ़ लिया था? चलिए फ्रेश टॉपिक में आएंगे बच्चा. ये अभी तक रिवीजन था, ये अभी तक रिवीजन था और लगता है रिवीजन ही रह जाएगा. बच्चा अब मैं पेन का यूज नहीं करूंगी, शायद पेन का यूज करने से ऐसा हो रहा है. ठीक है, 2 मिनट. वापस बच्चा अब यहां से फ्रेश टॉपिक. अभी तक जो कुछ भी पढ़ा क्या था बच्चा? रिवीजन था. ठीक है, चल हेडिंग क्या लिखा है? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. बच्चा कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स. कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है बच्चा? सिंस अ कॉर्पोरेट बॉडी. कंपनी क्या बच्चा? एक कॉर्पोरेट बॉडी है. किससे बनती है बच्चा? बाय लॉ. किससे बनती है बच्चा? बाय लॉ. तो कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी है, क्रिएशन ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ये बनती है. कैसे बनती है बच्चा? रजिस्ट्रेशन करवा के. रजिस्ट्रेशन कहां पे होता है बच्चा? आरओसी के पास. ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस किस लॉ में लिखी है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी है. क्लियर है बच्चा? चलिए ये लिखता है कि ये ह्यूमन बींग नहीं है. अभी मैंने आपको बताया ना मैं इंसान हूं, हमारा नेचुरल बर्थ होता है बच्चा, इंसानों का एक बर्थ होता है, ऐसे कंपनी का भी बर्थ होता है. कंपनी का बर्थ कैसे होता है बच्चा? कंपनीज एक्ट को फॉलो कर उसको रजिस्टर्ड करवाकर. ठीक है, तो ऐसे उसका बर्थ होता है. इन्होंने कहा इंसान के पास जो जो क्वालिटीज है, ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज, ऐसे बहुत सारे फीचर्स कंपनी को भी दे रखी है. किसने दे रखे बच्चा? कानून ने दे रखे. फॉर एग्जाम्पल बच्चा मेरे साथ किसी ने गलत किया, क्या मैं केस कर सकती हूँ? मैंने आपके साथ गलत किया, क्या आप मुझ पर केस कर सकते हो? तो इंसान के पास, ह्यूमन बींग के पास क्या केस करने का पावर है? हाँ है. क्या कंपनी में भी केस फाइल किया जा सकता है? क्या कंपनी भी किसी में केस फाइल कर सकती है? अभी कोविड के टाइम पे जोमेटो वाला केस याद है? किसी ने किसी का खाना खा लिया था, फिर एक जोमेटो वाली लड़की थी है ना, एक है ना जो वो डिलीवरी बॉय था उसको यहाँ पे मार वार दिया था है ना, लड़की को यहाँ मार दिया था, उसने ऐसा एलिगेशन लगाया. तो ये सब क्या है? जोमेटो कंपनी पे केस होता है बच्चा, केस कंपनी पे होता है, इंसान पर नहीं किया जाता है. क्या ये बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल जियो कंपनी का मैंने रिचार्ज करवाया. ठीक है, आज रिचार्ज करवाया, देखा आज क्या सब कुछ खत्म हो गया, जबकि है मेरा प्रॉपर 1 मंथ की वैलिडिटी. तो मैं किस पे केस करूंगी? मुकेश अंबानी पे केस करूंगी कि जियो कंपनी पे करूंगी? क्या मुकेश अंबानी ने मेरा वो डेटा चोरी किया होगा? नहीं, कंपनी पे केस जाएगा ये. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? तो होता क्या है, होता क्या है, जैसे इंसान के पास पावर है, ऐसे ही कंपनी को भी बहुत सारी पावर दे रखी है. किसने बच्चा? लॉ ने, कंपनीज एक्ट 2013 ने. ऐसी बहुत सारी पावर्स है, ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा. यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम दे रखे. एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चा डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा आपका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चा? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अगर आपने समझ लिया तो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में समझ में आ जाएंगे. बच्चा आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इंसान, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. मुझे ये घर खरीदना है बच्चा, घर के मालिक के साथ क्या करूंगी? कॉन्ट्रैक्ट करूंगी. ऐसे ही कंपनी को भी बिल्डिंग खरीदनी होती है, जमीनें खरीदनी होती है, तो कंपनी में क्या करता है बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट करता है. आप साइन कर सकते हो, आप साइन कर सकते हो, कंपनी भी साइन कर सकती है. कंपनी की एक सील होती है, वो उसका साइन होता है. कंपनी की जो सील होती है वो क्या होता है? उसका साइन होता है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ह्यूमन बींग जैसे, इंसानों जैसी बहुत सारी पावर्स किसके पास है? कंपनी के पास है. क्या क्या पावर्स है आओ डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पहले बुक में नहीं देखेंगे, पीपीटी में देखेंगे. पहला हेडिंग के लिखे बच्चा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. प्लीज ध्यान देना, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. फिर क्या लिखा है? सेपरेट लीगल एंटिटी. सबका मतलब एक होता है, सबका मतलब एक होता है. आर्टिफिशियल पर्सन तो समझ में आ गया था ना. आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब कानून की नजरों में, कानून की नजरों में क्या बच्चा? एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ये एग्जिस्ट करती है,
क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आई? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बच्चा, सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई बच्चा? रीड करेंगे, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इंसानों की तरह पैदा नहीं होता है, इसे बाय लॉ बनाया जाता है। इट हैज ऑलमोस्ट ऑल राइट्स एंड पावर्स ऑफ अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे इंसान के पास इतनी सारी पावर्स है, उसके पास भी बहुत सारी पावर्स है। कौन कौन सी पावर है इन्हीं कैटेगरीज में समझेंगे। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने आपको बताया क्या हम इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट कैन सू इन इट्स ओन नेम एंड कैन बी सूड, हम पे केस किया जा सकता है, मैं भी आप पे केस कर सकती हूँ। ऐसे ही बच्चा हम भी जोमेटो कंपनी, जियो कंपनी में केस कर सकते हो, जियो कंपनी जोमेटो कंपनी भी क्या कर सकता है, हम पे केस कर सकता है। इन्होंने कहा नेचुरल इंसान की तरह उसके पास भी बहुत सारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ट्रैक्ट करने का, केस फाइल करने का। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चा ये बातें हमें पहले से ही पता है लेकिन समझ अब रहे हैं। लेकिन ये पावर इनको किसने दी बच्चा, कंपनीज एक्ट 2013 लॉ ने दे रखी है, ठीक है। चलिए, द एक्ट डिफाइन, कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। द एक्ट डिफाइन अ कंपनी, एक्ट बोलता है कंपनी क्या, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग क्या लिखा है, सेपरेट एंटिटी। कानून की नजरों में ये अलग है, कानून की नजरों में ये अलग है बच्चा। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, ये हमेशा जिंदा रहता है। मैं इंसान हूं, कोविड में मुझे बीमारी हो सकती है, हो सकती है ना, हुआ भी था, तुम लोगों को भी हुआ था क्या, है ना, हुआ ही था, सबको ऐसे चक्कर तो घूम ही गया था, किसी किसी को तो पता भी नहीं चला कि उसको कोविड था, हल्का सा फीवर था, पता ही नहीं चला, है ना। तो ऐसा ही था, माइनर से था, हमें भी नहीं लगा था, लेकिन जब हमने देखा टेस्ट करा के तो ऐसा लगा कि अच्छा था, समझ में ही नहीं आया। ज्यादातर लोगों को ऐसा, तो इंसान को बीमारी हो सकती है ना, इंसान मर सकता है, मर सकता है, ये आर्टिफिशियल बॉडी है, इसको बीमारी हो सकती है क्या, क्या ये इंसान की तरह मर सकता है क्या, ये जिंदा कैसे होता है, बाय लॉ, मरता कैसे है, बाय लॉ। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो लॉ ही इसे क्रिएट करता है और लॉ ही इसे बंद करता है। क्या याद आया, वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है कंपनी को बंद करने की। शटर गिराया कंपनी बंद, ऐसा नहीं होता। दुकान को ऐसे बंद कर सकते हो आप, लेकिन कंपनी, कंपनी को आप ऐसे बंद कर सकते नहीं। कंपनी की एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये सारी बातें लिखी है, कैसे कंपनी को बंद करोगे, बंद शटर गिराकर नहीं होगा। तो ये लिखा है परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बॉडी है, ये इंसानों की तरह मरता नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यू जिंदा रहेगा, कंटिन्यू जिंदा रहेगा। बस एक ही है जो इसे मार सकता है, वो कौन मार सकता है, लॉ। लॉ ने जिंदा किया, लॉ ही मारेगा। लॉ कब मारेगा, जब आप गलत काम करोगे। जब हमें लगेगा मुकेश अंबानी गलत काम करने लगा है, तो उसकी जियो की कंपनी को क्या कर देंगे, बंद कर आ ही जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, कॉमन सील, कॉमन सील, अभी मैंने आपको बताया क्या आप साइन कर सकते हो, कंपनी भी साइन कर सकती है। कंपनी का जो साइन करने वाला जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील। सील बस नहीं लिखा है, कॉमन सील लिखा है। सील तो आपने देखी जो रबड़ की रहती है इंक लगाकर, ब्लू ब्लू कलर के, जो कॉलेज स्कूल्स इन सब में आपने सील देखी होगी। क्या यहाँ पे बस ओनली सील लिखा है, नहीं, कॉमन सील एक अलग टाइप की सील होती है, मैं आपको दिखाऊंगी वो सील। हर कंपनी अपनी कॉमन सील बनाती है, मतलब वो उसका खुद का क्या होता है, सिग्नेचर होता है। वो कंपनी का खुद का क्या होता है बच्चा, सिग्नेचर होता है। क्या ये बात समझ में आई? वापस हम क्या पढ़ रहे बच्चा, कंपनी के कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। इन्होंने कहा आप साइन कर सकते हो, कंपनी का भी खुद का एक साइनिंग होता है। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्या आप केस कर सकते हो, कोई और आप पे केस कर सकता है, हाँ, कंपनी भी और आप भी केस कर सकते हो। क्या ये बात समझ रहे? तो कंपनी के पास इंसानों जैसे बहुत सारी पावर्स है, बहुत सारी पावर्स है। हम खाना खा सकते हैं, क्या कंपनी खाना खा सकती है, कुछ पावर्स है, सारी पावर्स थोड़ी ना, क्या खिलाओगे उसको, पैसा, है ना। चलो, पहला पॉइंट समझ में आया। अब बच्चा आपकी आपकी बुक में एक हेडिंग दिखेगी, क्या ये हेडिंग दिख रही है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को और क्या 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 नाम बोला जाता है। प्लीज स्लैश डालो, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी यहाँ पे स्लैश डालो और लिखो, जिनके पास बुक है बच्चा वो लिखेंगे। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जहां जहां ये टर्म्स आएंगे समझ जाना कि वो क्या बोलना चाहते हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कानून की नजरों में कंपनी एक अलग अलग अस्तित्व रखती है, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हो, आर्टिफिशियल बॉडी लिखो, सेपरेट लीगल एंटिटी, इनका मतलब ये है कानून की नजरों में ये कुछ अलग है। क्या ये बात समझ में आई? इसके अंदर ऑटोमेटिक ये सारी पावर्स हैं। अगर लिखा है ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तो समझ जाओ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, साइन कर सकती है। इंसानों की बहुत कुछ पावर्स है। क्या क्या पावर्स है, ऑल दीज आर। क्या ये बात समझ में आई? पक्का पक्का लिख लो पहले, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, बढ़ू आगे।
चलिए, अब आपके बुक में ना बच्चा बोरिंग तरीके से लिखा है ना, इतनी सारी बातें घिसी पिटी, एक ही बात को ना 10 तरीके से बोला जाता है, एक ही बात को 10 तरीके से बोला जाता है, बस ऊपर की इंपॉर्टेंट लाइनें हैं बस जो आपको मारना है। बाय इनकॉर्पोरेटिंग, इनकॉर्पोरेटिंग मतलब क्या बताया था, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेटिंग मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कहां कर रहे हैं, आरओसी, एमपी का आरओसी कहां है, ग्वालियर, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेटिंग अंडर द एक्ट, एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, The company is vested with the corporate personality. इन्होंने कहा जैसे आप इनकॉर्पोरेशन करते हो, मतलब जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो लॉ की नजर में अभी जिंदा नहीं हुई है। लॉ क्रिएट करता है तो लॉ बोलता है कब जिंदा होती है ये, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, हम तो बॉर्न होते हैं तो ये बॉर्न कब होता है, जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा जो भी आरओसी ऑफिस में, ठीक है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तभी तभी उसकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी आएगी, मतलब जैसे ही वो जिंदा हो जाएगी, जिंदा होते उसको क्या मिल जाएगी, उसकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब बहुत सारी पावर्स मिल जाएगी। Quite distinction from the individual, इंसान से वो अलग होता है, who are its member. हम पांच लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, कंपनी अलग है, हम पांच दोस्त अलग है, क्या ये बात समझ में आई, तो टोटल ये पांच है और कंपनी वो छठवीं इंसान है, क्या ये बात समझ में आई। कानून की नजर में हम तो है ही, हम पे केस किया जा सकता है, लेकिन कानून की नजरों में कंपनी में भी केस फाइल किया जा सकता है, तो टोटल छह लोग हो गए, क्या ये बात समझ में आई। तो ये इंसान से एकदम अलग होती है, वो इंसान मेंबर है कंपनी के, वो इंसान क्या बच्चा उस आर्टिफिशियल बॉडी के क्या बच्चा मेंबर्स हैं, ठीक है। बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, इज अ बियर इट्स ओन नेम, उसका खुद का नाम होता है। आपका नाम है, कंपनी चालू करने से पहले क्या डिसाइड करना है, कंपनी का नाम, दुकान चालू करते हो तो क्या रखते हो, नाम रखते हो, तो बिना नाम के कंपनी हो सकती है क्या, नहीं, जैसे हमारे नाम होते वैसे उनके भी नाम होते, ठीक है। चलिए, तो सेपरेट लीगल एंटिटी बियर्स इज ओन नेम और एक्ट अंडर द कॉर्पोरेट नेम, क्या ये बात समझ में आई। तो इंसानों, इंसान भी लॉ की नजरों में है और बच्चा एक आर्टिफिशियल पर्सन भी लॉ की नजरों में है, हम साइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना नाम बनाते हैं, सेम कंपनी के साथ भी एज इट इज होता है, ठीक। बाकी सारी चीज स्किप। नीचे एक केस दिख रहा है बच्चा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन दिख रहा है, ये एक लैंडमार्क केस है, ये क्या बच्चा, एक लैंडमार्क केस। अब ये लैंडमार्क केस क्या होता है, एक्चुअली बच्चा थोड़े से पास्ट में जाएंगे, ये सेपरेट पर्सनालिटी एक होती है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, ये बताया किसने, एक्चुअल में स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। सोलोमन एक इंसान था, सोलोमन एक इंसान था, उसका एक लैंडमार्क केस है, उस केस को पहले समझाऊंगी फिर मैं आपकी आगे की कहानी बताऊंगी। ऑफकोर्स इंडिया का तो केस होगा ही नहीं, ठीक है, इंडिया के बाहर का केस है, आओ पहले स्टोरी को बताऊं, बढ़ते आगे। क्या लिखा है, केस स्टडी सोलोमन, फिर क्या लिखा है बच्चा, वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, ये लिखा है सबसे ऊपर, और क्या लिखा है 1897, सबसे ऊपर लाइन क्या लिखी है बच्चा, पेंसिल नहीं चला पा रही हो अभी, है ना, केस स्टडी क्या लिखा है बच्चा, सोलोमन, फिर वी लिखा है मतलब वर्सेस, दो पार्टी केस, मैंने अगर केस किया तो पहले मेरा नाम लिखा होगा पिंकी, और फिर आपका नाम लिखा होगा पिंकी वर्सेस दिस, क्लियर है। तो एक तरफ केस में कौन है बच्चा, सोलोमन, और दूसरी तरफ क्या है, सोलोमन कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी का नाम जियो ना रखकर क्या रख दिया है, मुकेश अंबानी कंपनी लिमिटेड, तो मुकेश अंबानी वर्सेस मुकेश अंबानी जियो लिमिटेड, क्या ये बात समझ में आ रही, ये है क्या, ये अभी तक केस का नाम बताए, केस कब हुआ था बच्चा 1897, अभी क्या चल रहा है 2022, बहुत पुराना केस है, इस केस का नाम याद रखना, ठीक है, बताऊंगी क्यों याद रखना। एक्चुअल में जो सोलोमन था मिस्टर अरॉन सोलोमन, इसका पूरा नाम था, ठीक है, आपकी बुक में पूरा केस दे रखा है, बस मैं पीपीटी फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग लेदर बूट, तो सोलोमन एक इंसान था, उसका एक छोटा सा बिजनेस था, सोल प्रोप्राइटरशिप का उसका एक बिजनेस था, क्या बनाता था बच्चा, लेदर बूट्स बनाता था, क्या बात समझ में आए। उसने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, वो एक सीएस के पास जाता है, एक लॉयर के पास जाता है कि मुझे सजेस्ट करो, मुझे पैसे की जरूरत है मेरे बिजनेस में। तो उसके सीएस ने उसे सजेस्ट किया, एक काम कर, पैसे की जरूरत है तो पैसा तो जनता से भी लिया जा सकता है, आप क्या बना लो, एक पब्लिक कंपनी, क्या बना लो, एक पब्लिक कंपनी, मैं सोलोमन हूँ, मैं लेदर बूट का काम करता हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैं अपने कंसल्टेंट के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई सुन, मुझे पैसे की जरूरत है, बता मुझे फंडिंग कहाँ से मिलेगी, बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं गिरवी रखने के लिए, तो मुझे सजेस्ट कर कि कैसे मैं अपने बिजनेस को और बड़ा बनाऊं, आपको भी ऐसे सजेस्ट करना है अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो उसने कहा कि काम कर, पब्लिक कंपनी बना ले, एक काम कर, क्या बना ले, पब्लिक कंपनी बना लेगा ना, तो पब्लिक कंपनी में ना जनता पैसा लगाती है, जनता पैसा लगाएगी तो तुम्हें फंडिंग मिल जाएगी, तुम्हें क्या मिल जाएगी बच्चा, फंडिंग मिल जाती। तो सोलोमन को सजेस्ट किया जाता है तुम्हें कंपनी बना लो, उसने अपनी कंपनी बनाई और कंपनी का नाम क्या रखा, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, बात समझ में आई।
पहले वो एक धंधा करने वाला बिजनेस करने वाला इंसान था, उसको पैसे की जरूरत थी, उसके कंसल्टेंट ने उसे सजेस्ट किया कि भैया कंपनी बना ले, जनता तुझे पैसे दे देगी, टेंशन की बात ही नहीं है, क्लियर है। चलिए बना लिया। अब समझना बच्चा, प्राइवेट कंपनी जब भी बनाते हैं ना, तो प्राइवेट कंपनी में को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। मिनिमम कितने? 2 लोग चाहिए, तब जाके आपकी एक प्राइवेट कंपनी बनती है। लेकिन पब्लिक कंपनी बनाने के लिए थोड़े से लोग ज्यादा चाहिए होते हैं। कितने लोग चाहिए होते हैं बच्चा? 7। 7 सब्सक्राइबर्स लिखा है यहाँ पे, 7 सब्सक्राइबर्स, 7% की जरूरत होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस, अगर आपको प्राइवेट कंपनी की जरूरत है तो 2 लोग मिलकर एक प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या बनानी है बच्चा? एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो 2 लोग से काम नहीं चलेगा। कितने लोग चाहिए? 7 लोग। अभी सोलोमन बोलता है कि भाई ये 7 लोगों को मैं कहां से इकट्ठा करूंगा। अब कंसल्टेंट सेल्स लॉयर क्या बोलता है? एक काम कर, तू बन जा एक मेंबर, फिर अपनी एक वाइफ को बना, तुम्हारी एक बेटी भी है उसको बना, और 4 बेटे भी हैं। कितने हो गए टोटल? तो उसने क्या किया, अपने सारे घर के लोगों को मिला लिया, ऐसे 7 लोगों को खड़ा कर दिया। बच्चे वापस समझना, लफड़ा होने वाला है, लफड़ा होने वाला भैया, समझना। एक ही बंदा था, बिजनेस कर रहा था, उसे पैसे की जरूरत थी। कंसल्टेंट के पास जाता है और क्या बोलता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है। वो उसे क्या सजेस्ट करता है, कौन सी कंपनी बना? पब्लिक, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। उसको 7 लोग की जरूरत थी, उसने 7 लोगों में किसको खड़ा कर दिया? अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को, पैसे तो थे ही नहीं, ठीक है, चलो 7 मेंबर्स को खड़ा कर दिया। इसने कहा कंपनी तो बना ली, कंपनी तो बना ली, अब कंपनी बना के ये कंपनी करेगी क्या? तो फिर से कंसल्टेंट सेल्स क्या बोलता है, एक काम करना, तू जो अपना बिजनेस करता था, तू सोलोमन एक इंसान था, एक इंसान था, तूने एक पब्लिक कंपनी बना ली। जैसी कंपनी बन गई तो कंपनी की क्या होती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, एक सेपरेट एक आइडेंटिटी है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? लॉ की नजर में एक आइडेंटिटी हुई ना, तो अपना बिजनेस इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को बेच दे। लेदर बूट बनाने का काम करता था, लेदर बूट बनाने का काम करता था, उसने कहा कि चलो मैं लेदर बूट का जो बिजनेस है किसको बेच रहा हूँ? इस कंपनी को बेच रहा हूँ, कंपनी को बेच रहा हूँ। अब मैं नहीं बनाऊंगा, ये कंपनी बनाएगी, कंपनी के अंडर में मैं बनाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी मेरा बिजनेस नहीं है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस नहीं है, किसका हो गया बच्चा? सोलोमन कंपनी लिमिटेड का बिजनेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब बच्चा जब भी कोई चीज आप बेचते हो तो बदले में पैसे मिलते हैं। कंपनी पैसे दे सकती थी क्या? अभी नहीं, कंपनी पास इतना पैसे नहीं था, तो उसने क्या दे दिया बच्चा? शेयर। उसने क्या दे दिए? शेयर। बिजनेस ऑलमोस्ट उसने बेचा 30,000 में, बिजनेस ऑलमोस्ट उसने किसने बेचा बच्चा? 30,000 में। 20,000 के उसको क्या मिल गए? शेयर। और कंपनी ने थोड़ा बहुत पैसा निकाल के कितना दे दिया बच्चा? 10,000। 10,000 का क्या दे दिया बच्चा? सॉरी, 30 ने 40,000 में बिका था। वापस, बिजनेस उसने कितने में बेचा? 40,000 में। 20,000 के क्या दे दिए? शेयर। 20,000 के क्या दे दिए? शेयर। बच्चा 10,000 के क्या दे दिए? डिबेंचर। क्या शेयर और डिबेंचर समझते हैं अपन? शेयर देना मतलब क्या आ गया उसको? ओनरशिप। डिबेंचर क्या हो गया बच्चा? लोन दे दिया बच्चा। और बाकी का जो 10,000 बचता है, बाकी का जो 10,000 बचता है, कंपनी उसको कैश के फॉर्म में देती थी, थोड़ा पैसा दे दिया, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर की अगर बात करूं, उस 18 बच्चा 18 कब हुआ था ये केस? 1897। 1897 की बात करूं तो एग्जैक्ट बिजनेस उसका 38,000 में बिका था। कितने में बिका था? 38,000। तो 20,000 के क्या मिले? शेयर्स। 10,000 के क्या मिले? डिबेंचर। बाकी 8,000 अप्रोक्स कितने मिले बच्चा? कैश। फैमिली मेंबर को ही मिलाकर उसने बिजनेस खड़ा किया, और उसने कहा कि अब कंपनी को बेच देना, कंपनी मुझे ये दे रही है। फैमिली मेंबर को एक 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 शेयर दे दिया, क्योंकि वो क्या ही काम करते, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए बने थे ना। वेरी गुड। कंपनी कैसे दे सकती है? कंपनी ने जनता से लेकर दे दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। कंपनी तो इसी की ही थी ना। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको क्लियर करूंगी थोड़ी देर से, पहले मुझे बताओ क्या ये समझ में आया? क्या उसकी वाइफ बिजनेस कर रही थी? क्या लेदर का काम करता था वो खुद अकेला? क्या उसका बेटे काम कर रहे थे? चार। क्या उसकी बेटी काम कर रही थी? कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि उसके सीएस कंसल्टेंट ने बोला तुम तो कंपनी नहीं बना पाओगे, तो फॉर्मेलिटी के लिए क्या करो? नाम डाल दो। बस फॉर्मेलिटी के लिए नाम डाला था, जनता से पैसे लेकर इन लोगों ने ये सारे काम कर लिए। क्लियर है? अब बहुत सारे पैसे आए, बहुत सारे पैसे आए। आफ्टर 1 ईयर जनता से तो पैसे लेकर अपना बिजनेस चालू कर दिया। 1 साल के बाद क्या हो गया बच्चा? लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। लिक्विडेशन इज ऑल्सो नोन एज वाइंडिंग अप। अभी ये समझो, 1 साल भी बिजनेस अच्छे से नहीं चला, कंपनी क्या हो गई? बर्बाद हो गई, बंद हो गई। जनता का पैसा लगा था, जनता का पैसा लगा था, जनता का पैसा लगा था। आफ्टर 1 ईयर बच्चा कंपनी बंद होने के कगार में आ गई, और एक ऑफिसर आ रहा था, आया ऑफिसर ने कहा कि भैया बिजनेस बंद हो रहा है, अब इसके पूरे एसेट्स को बेचेंगे। अब इसके पूरे एसेट्स को बेचेंगे, मान लो हाईटेक से कंपनी है, इसके पूरे एसेट क्या बेचेंगे? इसके फर्नीचर बिकेगा, इसका सिस्टम बिकेगा, इसका प्रोजेक्टर बिकेगा। अगर ये कंपनी है तो कंपनी में जितने एसेट्स है वो बिकेगी, बिल्डिंग अगर हाईटेक की तो ये भी बिकेगी। और किसको चुकाया जाएगा बच्चा? उधारी जिन जिन से ले रखी है बच्चा, कंपनी
जब बंद हो गई तो ऑफिसर ने आके कैलकुलेट किया, एसेट कितने के बचे थे, 6,000 के। एसेट कितने के बचे थे, 6,000 के। और लाइबिलिटी कितने की थी, लाइबिलिटी मतलब लोन, लाइबिलिटी मतलब लोन। बच्चा एसेट 6,000 के थे, 6,000 के एसेट और लाइबिलिटी 17,000 के, जिसमें से 10,000 लोन किसका था, 10,000 लोन किसका था। क्या ये बात समझ में आ रही है, अभी देखना कैसे घूमेगा। 10,000 लोन किसका था बच्चा, इसी सोलोमन का, और बाकी ये 7,000 किसी और के थे। समझते जाना बच्चा कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था। 17,000 की लाइबिलिटी, 10,000 किसके बच्चा, सोलोमन के, 7,000 किसके बच्चा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, 11th 12th में शायद थोड़ा बहुत समझो, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है और एक अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड क्या होता है बच्चा, वेरी गुड, असेट गिरवी रखा हो, मॉर्गेज रखा हो, समझना वापस बच्चा। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट मैं कह रही हूँ, सिक्योर्ड क्रेडिटर मैंने जिसको लोन दिया है ना, उसका मैंने कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लिया, दैट इज सिक्योर्ड। मैंने किसी को लोन दिया है और कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया, दैट इज अनसिक्योर्ड। बच्चा सोलोमन, सोलोमन बच्चा 10,000 का लोन था और वो क्या था बच्चा, सिक्योर्ड। वो क्या था, सिक्योर्ड। उसे सब पता था कि कहीं कुछ गलती से हो जाए, उसने एक कंसल्टेंट को रखा था, सीएस को रखा था। उसने क्या बोला, हमेशा क्या रहना, तो सिक्योर्ड रहना। उसने कंपनी के जो भी एसेट थे, जो भी उसने मार्केट से पैसा लेके जो भी एसेट थे, वो अपने लिए सिक्योर्ड रख लिया। तो सोलोमन क्या था बच्चा, सिक्योर्ड। और बाकी सब लोग क्या थे बच्चा, 7,000 के अनसिक्योर्ड। समझना, जब बिकेगा एसेट, बिकेगा एसेट कितने के थे, 6,000 के। बच्चा इस 6,000 से किसी का पेट भरता, कानून बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है, बंद करने की एक प्रोसेस होती है, बंद करने की एक प्रोसेस। उस प्रोसेस में ये होता है कि कंपनी का जितना भी एसेट होगा वो बिकेगा, और सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी, सिक्योर्ड को। तभी तो सिक्योर्ड है, तभी तो सिक्योर्ड है। और बाद में प्रेफरेंस मिलेगी किसको, अनसिक्योर्ड की। माथा खराब हो गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, उन्होंने क्या बोला, यही जो अभी बच्चे ने क्वेश्चन बोला था, कंपनी किसकी थी, सोलोमन ही नहीं था, मेजोरिटी के शेयर उसी के पास थे, बाकी उसने अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपने 4 बच्चों को ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए दे रखे थे। पूरा बिजनेस कौन कर रहा था बच्चा, सोलोमन। बच्चा उसने अपने आप को क्या कर दिया, सिक्योर क्रेडिटर बना के रखा। और जब कंपनी बंद हुई, कंपनी बंद होती है, अनसिक्योर क्रेडिटर, नो अनसिक्योर क्रेडिटर बोलते कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में केस जाता है बच्चा। अब मुझे बताओ कोर्ट में केस कौन जीतेगा, सोलोमन, क्योंकि कंपनी एक्ट क्या बोलता है, इसने अपना बिजनेस बेच दिया, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कानून की नजरों में। अब जब वो कानून की नजरों में एक अलग एंटिटी है, क्रेडिटर सोलोमन के घर पे जाकर पत्थर फेंक सकते हैं क्या, हमारा पैसा वापस दो, नहीं। पुलिस को भेज दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्या बोलेंगे, भैया कंपनी के पास जाकर पत्थर फेंको, उनसे पैसे लो, क्योंकि सोलोमन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोलोमन वो 7 लोग थे, प्लस 8 और कौन था, कंपनी। पैसे सोलोमन ने पर्सनली लिए थे कि कंपनी ने लोन लिया था, कंपनी ने, जबकि सोलोमन का भी तो पैसा फंसा था, लेकिन बिकता पूरा माल 6,000 का, वो 6,000 का माल किसको मिला बच्चा, सोलोमन को, क्योंकि वो सिक्योर था। आपको ध्यान रखना था लोन लेने से पहले, आपको ध्यान रखना था लोन लेने से पहले कि आप सिक्योर्ड हो कि अनसिक्योर्ड। इसीलिए सारे के सारे बैंक वाले क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ गिरवी रखो, कुछ गिरवी नहीं होगा तो वो आपको लोन नहीं देते हैं। तो अमीर को इसलिए तो लोन मिलता है, क्योंकि अमीर क्या रख सकता है, कुछ ना कुछ गिरवी रख सकता है। कंपनी, कंपनी को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तभी तब से बच्चा सारे बैंक वाले भी सतर्क हो गए, और सारे लोन देने वाले कि भैया हम अनसिक्योर्ड कभी भी बनने वाले नहीं है, हमेशा सिक्योर्ड बनो। अगर वो भी सिक्योर्ड होता ना बच्चा, वो भी सिक्योर्ड होते तो 3,000 उनको मिलते, 3,000 इनको मिलते, मतलब जितना भी होता है, 1,000 बचता तो 500 500, जितना भी होता डिवाइड होता। लेकिन वो क्या बन चुके थे बच्चा, अनसिक्योर्ड, और लॉ की एक प्रोसेस होती है। फाइनली सोलोमन ये केस जीत गया। इसीलिए हमेशा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की जब भी बात होती है तो सोलोमन का केस सामने आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा, क्या ये बात समझ में आई। तो बच्चा अब मेरी बात समझना, जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी क्लाइंट होता है ना, उसको हम कंपनी बनाने का सजेशन क्यों देते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी पर्सनली आपकी नहीं होगी, आपकी पर्सनली तो लिमिटेड है, पूरी लाइबिलिटी किसके सर पे जाती है, कंपनी की। कंपनी क्या क्या करेगी बच्चा, अपने पूरे एसेट्स को बेच के आपकी भरपाई करेगी, आपको पर्सनली अपने घर की प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। मतलब जियो कंपनी की अगर बात आ जाएगी तो क्या मुकेश अंबानी का पर्सनल घर बिक जाएगा क्या, नहीं। कंपनी के नाम पे जो जो है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कंपनी के नाम पे जो जो होता है, वो सारी चीजें बेचकर पैसा रिकवर किया जाते हैं। अगर वो बचा ही नहीं तो कंपनी खत्म। किंगफिशर कंपनी, विजय माल्या, सब ऐसे ही बर्बाद होके कैसे बैठ गए बच्चा। किंगफिशर तो अभी भी जो वो
माल्या है, उसके जो बच्चे हैं अभी भी बच्चा आराम से जी खा रहे हैं, जबकि कंपनी तो लॉस हो चुकी थी ना, कंपनी तो खत्म हो चुकी थी ना, उसके एम्प्लॉय बेचारे परेशान परेशान घूम रहे। क्यों बच्चा? क्योंकि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी पर्सनली नहीं होती है। फिर लोगों ने क्या किया बच्चा, धीरे धीरे इसका फायदा उठाने लगे। अब हम सीरियस, हम लॉयर, हम लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, अपने क्लाइंट को फायदा करवाना चालू कर दिया। और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एक अलग होती है, तो ये हम सबको सजेस्ट करने लगे कि हाँ यार तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी में बात नहीं है, कि एक काम करो कंपनी बना लो। तो कंपनी इसलिए बनाई जाती है। लेकिन बच्चा फिर दोबारा से कानून आएगा ना कि भाई अब तो आप मिसयूज कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का क्या कर रहे हो बच्चा, मिसयूज कर रहे हो, तो मिसयूज भी नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए एक अलग लॉ है, इसके लिए एक अलग लॉ है। अभी इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हो कि कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। आगे चल के मैं बताऊंगी, अगर इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होगा तो बच्चा ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भूल जाएंगे और पर्सनली आपको पकड़ लेगा कोर्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते। ये समझ में नहीं आया? आप बाहर का इंसान है, नाम से समझे ना, सलमान कहाँ इंडिया में? हाँ नहीं समझ में, इतने टाइम तभी तो बाहर का केस उठा के समझा रहे इधर। ठीक है, इंडिया का भी केस है आगे चलकर, इंडिया में भी सेम ऐसा केस आया है आगे चलकर। लगा विजय माल्या पे, लगा ना, विजय माल्या भाग गया, उसने सारे जितने भी काम थे ना अपने नाम पे शो कर रखे थे, अपने बच्चों के नाम पे नहीं किए थे, बस बचे हुए वो। ये भी लॉ का ही कमाल है। धीरे धीरे समझो लॉ को, लॉ से अपना फायदा निकालना सीख जाओगे। बस लूपोल्स ऐसे ही निकाले जाते, ये लूपोल्स होते लॉ को, है ना, लॉ के है ना फायदे ऐसे ही निकाले जाते हैं। हम उसके कंसल्टेंट को समझा देगा, देखो तुम तो फंसने वाले हो, तो सारी चीजें अपने नाम पे करो, ठीक है, जहां भी फ्रॉड आएगा तुम फंसोगे, बच्चे बच जाएंगे, बच्चे आज बोले हम घूम रहे अच्छे से, है ना, क्रिकेट विकेट देखने आ जाते हैं, मस्त थर्ड वार्ड से रह रहे। और विजय माल्या भी यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, कहाँ छुपा बैठा है, लंदन में, कभी देखना न्यूज चैनल में कभी दिखता है, फॉरेन के, एक क्रिकेट मैच ही देखने आया था, सब इंडियंस मिल गए थे तो वहां पे बहुत चिल्ला रहे थे कि आपने तो पूरा इंडिया लूट लिया, ये वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारे इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं, हमारे इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन सारी कंट्री एक दूसरे के लॉ मानती है क्या? लंदन ने ऐसे बहुत सारे, ऐसे नीरव मोदी के बारे में सुना है क्या? वो भी वहीं बैठा हुआ है, इंडिया के आधे से ज्यादा लोग यहाँ का पैसा लूट के वहां बैठ गए, वो वहां की सरकार को देते हैं अच्छी खासी रकम। लंदन आधे से ज्यादा ऐसे ही चल रहा है, बहुत सारे लोगों को वो वहां पे पनाह दे रहा है, वहां पे वो लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि लंदन का लॉ हमें वहां पर उसे अरेस्ट करने नहीं देता। उनके लॉज अलग है, हमारे लॉज अलग है। कुछ कुछ चीजों में हमारा टाइप हो रखा है, लेकिन बहुत सारी चीजों में टाइप नहीं हो रखा। उनको अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है, उन्हें लग रहा है कि ऐसे अमीर बदमाश लोग आएंगे हमें पैसे देंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, ठीक है बच्चा। और हमारा देश, हमारा देश उनसे बोलता है कि आके दो हमें पकड़ के दो, लेकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा खिलाया है ना वहाँ। तो बच्चा एक्चुअली में ये सब होता है, अभी लॉ को समझना चालू करो, समझ में आएगा। फंसते कुछ ही लोग हैं, फंसते तो कुछ ही लोग हैं, लेकिन लॉ को तो मिसयूज बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना बच्चा। नहीं, अगर पकड़ लिया तो है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जो जब्त हो गई है उनकी, है ना, लेकिन स्टिल और हो सकती थी, और हो सकती थी, है ना, लेकिन अब आधे ज्यादा लाइफ वहां खत्म, वहां पे मर भी जाएगा, किसको क्या ही पता चल रहा है। तो एक्चुअली बच्चा लॉ का बहुत मिसयूज होता है, ठीक है, तो वही सारी चीजें हमें सीखनी है कि ये लोग कैसे कैसे इसका मिसयूज करते। क्या ये बात समझ में आई? चलिए पहले बताओ, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी समझ में आया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन समझ में आया, सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आया। लोग एक अलग पर्सनालिटी बनाते हैं, बोलते हैं भैया इनकी लाइबिलिटी, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज भी होना नहीं चाहिए। मिसयूज होगा तो हम भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे कि ये आप अलग हो, हम मान लेंगे कंपनी आप ही की है। लेकिन सोलोमन का रिजल्ट क्या निकला? सोलोमन का रिजल्ट क्या, उसने एज पर सारे लॉ फॉलो कर रखे थे, उसने सारे लॉ फॉलो कर रखे थे, इसलिए उसका रिजल्ट ये आया कि सोलोमन, सोलोमन क्या है बच्चा, एक अलग सेपरेट पर्सनालिटी है। तुम्हें समझ में नहीं आया था, वापस से समझा रही हूँ बच्चा। सोलोमन ने क्या किया, अपना बिजनेस बेचा, सोलोमन ने क्या किया, अपना एक बिजनेस बेचा, अप्रोक्स 40,000 में, अप्रोक्स कितने हजार में, 40,000 में।
तो बदले में कंपनी पैसा देगी ना, मैं कुछ बेचूंगी तो मुझे पैसा भी तो मिलना चाहिए। बेचना समझ में नहीं आया, समझो। हाँ बच्चा समझो, अब समझो, अभी तक तो वो पर्सनली काम कर रहा था, अब वो एक दुकान में काम करता था, ठीक है। उसने क्या किया, एक कंपनी बनाई, एक बिल्डिंग में आके उसने ज्वाइन किया, तो काम तो उस दुकान में हो रहा था। उसने क्या शो किया, लीगली, लीगली क्या शो किया कि मैंने अपना बिजनेस किसको बेच दिया, इस कंपनी को। क्या ये बात समझ में आ रही? चलो वापस 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 वापस। अभी तक अगर मैं एक दुकान में बैठ के कुछ सेल कर रही हूं तो कौन खरीदता है बच्चा? ग्राहक, कंज्यूमर। इन्होंने कहा अब मैं नहीं बनाऊंगी, अब कौन बनाएगा? कंपनी बनाएगा। मैन्युफैक्चरिंग शूज का कौन करेगा, बड़ी बड़ी मशीन लगा दी, कौन कराएगा बच्चा? कंपनी। कंपनी बेचेगा किसको? लेकिन अभी तक ये बिजनेस तो मेरा था ना, सोलोमन का था ना। सोलोमन ने क्या शो किया, ऑन रिकॉर्ड, कानूनन, बस कानूनन उसने क्या दिखाया कि मैंने आर्टिफिशियल बॉडी, एक अलग पर्सनालिटी है कि नहीं, ये सुनो। एक इंसान ने अपना बिजनेस बेचा एक आर्टिफिशियल पर्सन को, तो उसने कानूनन क्या दिखाया कि मैंने इसे सेल कर दिया किसको, आर्टिफिशियल पर्सन को, बस दिखाने के लिए। यही तो क्रेडिटर्स बोल रहे थे, हाँ क्रेडिटर्स यही तो कह रहे थे, भैया यही है, यही है कल्प्रिट। रुक जाना लायक, मैंने बेचा, सोलोमन ने बेचा, तो अब सोलोमन को क्या मिलेगा? मिलेगा ना, मिलेगा ना। तो अब क्या मिला? ओनली कानूनन, कागजी डॉक्यूमेंटेशन में शो हो रहा था 20,000 मुझे मिलेगा ना सोलोमन को, मैंने बेचा बिजनेस। 20,000 के क्या मिले? शेयर, मतलब क्या मिल गई? ओनरशिप। अदरवाइज मैं कंपनी खोलती तो मुझे पैसा लगाना होता। मैंने क्या बोला, मैं पैसा नहीं लगा रही, मैं क्या दे रही हूं? अपना बिजनेस, यही मेरा पैसा है। उन्होंने कहा बदले में शेयर्स मिलेंगे, तो कितने के शेयर्स मिले? 20,000 शेयर्स मिल गए, मतलब क्या मिल गई? ओनरशिप। उन्होंने कहा भैया ओनरशिप हम ज्यादा नहीं देंगे, जनता को भी तो बांटना है भी, क्योंकि जनता भी तो पैसे दे रही है। 10,000 के क्या मिले बच्चा? लोन, बाद में चुकाएंगे। डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट होता है, डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका ड्यूरेशन होता है, वैलिडिटी होता है, इतने साल में पैसे चुका दिए जाएंगे। तो 10,000 के क्या बेचे बच्चा? डिबेंचर। और बाकी का कितना मिला बच्चा? कैश थोड़ा बहुत मिल गया। ये कैश कहां से आया? जनता से जो ले रहे थे, यहां पलटा दिया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ हाँ, कंपनी बनाई तो उसने बनाया, बनाने का पर्पस बताओ, बनाने का पर्पस क्या था? हम शेयर्स बेचेंगे, तो कंपनी काम क्या कर रही थी? जो बिजनेस उसने खरीदा, क्या खरीदा था बिजनेस? लेदर बनाने का। तो उसने जनता को क्या बोला, प्रोस्पेक्टस छापा होगा कि हमारी कंपनी लेदर बूट बनाएगी, हमारी कंपनी लेदर बूट बनाएगी, आओ हमारी कंपनी को पैसा दो, शेयर्स खरीदो, शेयर्स खरीदो। जनता ने भरोसा किया, पैसे दे दिया। बैंकों ने भी क्या कर दिया, पैसा दे दिया, लेकिन सिक्योरिटी में कुछ भी रखा नहीं, चोट हो गई उन्हें। क्या ये बात समझ में आई? तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हो रही थी। बिजनेस अगर सक्सेसफुल होता तो डिविडेंड मिलता, प्रॉफिट मिलता, लेकिन बिजनेस क्या हो गया था बच्चा? अनसक्सेसफुल हो गया था, इस कारण से ये दिक्कत आई। अगर अच्छा मुझे बताओ, ये जियो कंपनी क्या करे? सक्सेसफुल हो चुके हैं ना ये सब, जो कंपनी टाटा क्या हो गया? सक्सेसफुल हो चुकी है ना, जनता भरोसा करके पैसे दे रही है, उन्हें भी जनता ने भरोसा करके पैसे दिया। सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है टाटा में, अनसिक्योर्ड भी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है टाटा में, लेकिन उन्हें टेंशन नहीं है क्योंकि कंपनी सक्सेसफुल है ना। रिस्क है ना, रिस्क हुआ ना बच्चा, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना बिजनेस है ना, बिजनेस रिस्क लिया, धंधा चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं चला। यहाँ धंधा चौपट हो गया था। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चा फिर जब पता चला कि कंपनी अब जब बंद होगी तो प्रोसेस होती है, उसकी रूल होता है कि पहले किसको पैसे मिलने चाहिए, तो पहला किसको मिलता है बच्चा? हमेशा सिक्योर्ड का नंबर पहले होता है, अनसिक्योर्ड का बाद में होता है। इक्विटी शेयर का नंबर कब आता है? मिलता भी है, जरूरी है मिलना, उनको तो पहले दिन से बोला जाता है ना, आप तो ओनर हो। अगर घर पे कोई खाना खाने आता है तो मेहमान को पहले खाना खिलाओगे ना, है ना? इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? घर के मालिक है। खाना खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। प्रेफरेंस शेयर क्या हो गए? मेहमान हो गए ना, पहले इनको खाना दो। तो इक्विटी शेयर का सबसे लास्ट नंबर आता है, तो इक्विटी शेयर को तो कुछ मिला ही नहीं। क्या मैंने बोला इस 20,000 इसको रिटर्न मिले क्या? मैंने क्या बोला 20,000 रिटर्न? 20,000 उसके भी डूबे, 20,000 उसके भी डूबे, क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर था। क्योंकि पैसे तो थे कितने, पैसे तो थे कितने? 6,000। तो ये 6,000 ही मिलता, लेकिन ये 6,000 भी मिला किसको? सोलोमन को, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर था। इक्विटी शेयर होल्डर की पोजीशन, वो दो जगह पे बैठा था।
अनसिक्योर्ड में बैठा था और बच्चा सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर, तो यहाँ पे उसको 10,000 का अमाउंट मिला था और यहाँ पे 20,000 का, बच्चा यहाँ तक तो पैसे में जाए, सिक्योर्ड को भी पूरा मिला क्या? अगर मान लो 20,000 बचता है ऐसे, कितना बचता बच्चा 20,000, तो 10,000 किसको मिलता? 10,000 एज अ डिबेंचर इसको सिक्योर मिल जाता। इनके कितने थे? 7,000 थे, अनसिक्योर के कितने थे? 7,000, तो 17,000 मिल जाए, 3,000 बचे। तो सोलोमन के कितने पैसे बचे थे? 20,000, तो बच्चा उसको उसको 3,000 मतलब बचता है तो मिलेगा, नहीं बचता तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे कोई गारंटी गारंटी वारंटी नहीं होती, ऐसा कानून बोलता है। क्या ये बात समझ में आई बच्चा? अब आप अपनी बुक में देखेंगे, एक बार फटाफट रीड करूंगी, जो भी मैंने पूरी स्टोरी बताई उस केस की, पूरा का पूरा दे रखा है। इन केस ऑफ द सोलोमन क्या लिखा है बच्चा? बिजनेस क्या कर रहा था सोलोमन? लेदर मर्चेंट, बूट मैन्युफैक्चरर। ही फॉर्म, उसने क्या बनाई? एक लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी बनाई बच्चा? उसने पब्लिक कंपनी बनाई। हिमसेल्फ, उसने उसमें 7 लोगों की जरूरत थी, अपने आप को रखा, अपनी वाइफ को रखा, अपनी डॉटर को रखा, और किसको रखा बच्चा? 4 बच्चों को रखा एज अ शेयरहोल्डर। ऑल ऑफ होम सब्सक्राइब, सबको फॉर्मेलिटी के लिए क्या दे दिया? शेयर होल्डर तब बनते हो जब एक एक शेयर होता है, बाकी 20,000 किसके पास रखे? अपने पास, मेजोरिटी के शेयर अपने पास रखे, ठीक है। फिर बच्चा सोलोमन सोल्ड बिजनेस, उसने बिजनेस बेच दिया सोलोमन एट द टाइम कंपनी को, कितने हजार में बेचे बच्चा? 38,782, ठीक है बच्चा। इंडिया तो केस नहीं है इसलिए पॉन्ड लिखा है, डॉलर भी नहीं लिखा, पॉन्ड है, ब्रिटेन का केस है, ठीक है। तो 38,782 उसमें इसने बेचा, जिसमें से 20,000 उसको क्या मिले थे? शेयर्स मिले थे। 10,000 क्या मिले थे? डिबेंचर। बाकी का 8,000 समथिंग क्या मिला? कैश। द कंपनी नॉमिनल कैपिटल कितना था बच्चा? 40,000 का इन वन शेयर। इन पार्ट पेमेंट ऑफ द परचेज मनी, उन्होंने एक बार में पैसे नहीं दिया, पार्ट पेमेंट 10,000 के क्या बोल दिया बच्चा? डिबेंचर ऑफ द अमाउंट 10,000 सिक्योर्ड। डिबेंचर क्या थे बच्चा? सिक्योर्ड थे। फ्लोटिंग चार्ज ऑफ द कंपनीज एसेट, गिरवी में क्या रखा था? चार्जेस। चार्जेस चार्जेस मैंने क्या बताया था? गिरवी रखना कंपनी के एसेट्स, ठीक है बच्चा। 10,000 का उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर 20,000 के नीचे आपको शेयर दिख रहे हो, 8,000 समथिंग करके कितना मिल गया बच्चा? कैश, ठीक है। सोलोमन मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका था और अपने दो बच्चों को क्या बना दिया? अदर डायरेक्टर्स बना दिया। द कंपनी सून इनटू डिफिकल्ट एंड डिबेंचर होल्डर बच्चा अपॉइंटेड रिसीवर, लिक्विडेशन में चली गई कंपनी। टोटल एसेट कितने बचे थे? 6,050 रुपए। 6,050, इतनी डिटेलिंग याद रखने की जरूरत नहीं, 50-50 बस आपको मोटा मोटा फिगर याद रखना है बच्चा। फाइनली यहाँ पे पूरी बातें जो भी इधर उधर दे रखी है, कंक्लूजन ये है, केस कौन जीता? सोलोमन। रीजन क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लॉ बनाता है कानून के नजरों में, इसका एक एग्जिस्टेंस है, दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आई? चलो फटाफट मार्क लो जिनके पास बुक है बच्चा।